हाय गाइस, कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल एच के बॉलीवुड न्यूज़ में, और मैं हूं हारिस कुरैशी। तो दोस्तों, यहां पर दूसरे हफ्ते में भी धमाल मचा रही है द लॉयन किंग, जिसमें आवाज़ दी है शाहरुख खान सर ने। मुफासा की आवाज़ दी है, और मुफासा का जो बेटा है सिम्बा, उसकी आवाज़ दी है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने। ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन मैंने एक बार फिर दोहरा दिया क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को पता चल जाए। तो दोस्तों, दूसरे हफ्ते में भी ये फिल्म धमाल मचा रही है बहुत ही, और जो इस हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म उसे भी पीछे छोड़ रही है। यह दिखाता है कि शाहरुख खान सर का कितना बड़ा क्रेज है सिर्फ आवाज से ही, सिर्फ आवाज से ही। दोस्तों, उसमें उनका फुल फ्लेज रोल नहीं है, सिर्फ वॉइस है, और वो वॉइस भारी पड़ रही है कंगना रनौत और राजकुमारी पे, सिर्फ वो आवाज भारी पड़ रही है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि ये जो हिंदी वर्जन है लॉयन किंग का, इंग्लिश वर्जन से ज्यादा कमा रहा है, इतना मैं आपको बताया चुका हूं। अब ये नई खबर लाया हूं मैं दोस्तों कि जजमेंटल है क्या, जजमेंटल है क्या से ज़्यादा भारी पड़ रही है द लॉयन किंग, और इसका कलेक्शन भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज फ्राइडे है, आज जजमेंटल है क्या रिलीज़ हो चुकी है, और दोस्तों मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी जजमेंटल है क्या की 25% देखी गई है, वहीं मॉर्निंग शो की द लॉयन किंग की ऑक्यूपेंसी देखी गई है 35%। तो यहाँ पर एक हफ्ते पुरानी फिल्म प्लस शाहरुख खान की सिर्फ आवाज़, एक तो शाहरुख खान की सिर्फ आवाज है प्लस ऊपर से एक हफ्ते पुरानी भी है, वो भारी पड़ रही है कंगना रनौत और राजकुमार हिर फिल्म, उनका फुल फ्लेज रोल है जजमेंटल है क्या, उस पर भारी पड़ रही है। और इसकी गवाही भी कलेक्शन दे देंगे, कल पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा कमाया। द लॉयन किंग ने अपने 8th डे में ज्यादा कमाया, ये जजमेंटल है क्या ने अपने पहले दिन में क्या कमाया, ये मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये खबर है, द लॉयन किंग दूसरे हफ्ते में भी बहुत दहाड़ रही है, और 80 करोड़ से ज़्यादा का इसने बिजनेस कर लिया है, और पूरे बिजनेस की वीडियो एक हफ्ते की मैं बनाने वाला हूँ। एक हफ्ते की बिजनेस की वीडियो मैंने दो वीडियो ही बनाई होंगी कलेक्शन पे, दो या तीन इतनी ही बनाई होंगी, लेकिन एक हफ्ते की भी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। कल का भी कलेक्शन बताऊंगा कि जजमेंटल है का क्या रहा, द लॉयन किंग का क्या रहा। आपको कैसी लगी ये खबर, आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें एच क्यू बॉलीवुड न्यूज़ के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हारिस कुरैशी, मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।